बिहार में शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होते ही अभ्यर्थी जी जान से तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी पटना कई कोचिंग संस्थानों में अभ्यर्थी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। क्यों फिर से बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बीपीएससी की तरफ से फेज 3 का विज्ञापन जारी किया गया है और कल से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी इस बार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार इस बार डोमिसाइल लागू करे, क्योंकि अगस्त की जगह अचानक मार्च में परीक्षा की घोषणा से तैयारी पर असर पड़ रहा है। अभ्यर्थियों से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होते ही अभ्यर्थी जी जान से तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी पटना कई कोचिंग संस्थानों में अभ्यर्थी तैयारी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है लेकिन रिजल्ट लाना है। तैयारी अभी अच्छी नहीं है, मतलब और अभी पढ़ाई करना, अगर टाइम मिल जाता तो एक अटेम्प्ट हम लोग को और मिल जाता, तो हम लोगों को अटेम्प्ट चाहिए। अच्छा, कितनी बार? सर एक बार जी सर। सर बस अपने कोशिश में लगे हुए हैं और जितना टाइम है उसमें ही हर चीज को करना है सर, और बस मतलब कम समय में ज्यादा लाना है नंबर। हाँ सर, जितना कर सकते हैं रात दिन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। अगस्त में सर परीक्षा होगी, लेकिन समय को बदल कर सर मार्च में परीक्षा हो गई, तो इस पर सर समय को बढ़ाया जाना चाहिए सर। कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी ये पता नहीं था? यस सर, बदल जाएगी, ये राजनीतिकरण के कारण बदलाया गया है। ये विज्ञापन जारी हो गया है, कल से फॉर्म भी अब जारी हो जाएगा, लेकिन अब डोमिसाइल का डिमांड हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? MD रेहान आलम नाम हुआ सर हमारा। कितना आइटम दे चुके हैं आप? सर हम एक आइटम दे चुके हैं TGT के लिए और एक प्राइमरी के लिए दे चुके हैं, जो कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया गया। और सर हम एक बिहारी युवा होने के नाते सबसे बड़ा डिमांड हमारा यही है कि जब बिहार से वोट लेते हैं तो बिहार के युवाओं को जॉब मिलाकर ये कहें कि जो अभ्यर्थी हैं वो अटेम्प्ट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ने या शिक्षा विभाग ने जो रूपरेखा तैयार की है उसमें 3 अटेम्प्ट ही आखिरी अटेम्प्ट होगा, तीसरा अटेम्प्ट के बाद चांस नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जिनका तीसरा अटेम्प्ट है इस बार, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अगर इस बार सफलता नहीं मिली तो शायद हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि विज्ञापन तो जारी हो गया है, बावजूद सरकार को ये लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि डोमिसाइल सरकार जरूर लागू करेगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आखिर फॉर्म भरने के दौरान क्या सरकार बड़ा फैसला लेती है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर आपको देवघर से बता दें। देवघर में एक बस ने बाइक और स्कूटी में टक्कर मार दी है और इस सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि एक बच्ची की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं, जहां बस ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक सवार 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और आक्रोश भी जताया है। फिलहाल SDPO हालात पर काबू करने में जुटे हुए हैं। देवघर में DAV स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है।